जय हिंद बच्चों, मैं आज आपको नरेंद्र कोहली द्वारा रचित देवकी उपन्यास अंश पढ़ाने जा रही हूँ। नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित उपन्यास अंश देवकी में लेखक ने कृष्ण के प्रसिद्ध कारागार प्रसंग का सुंदर और जीवंत वर्णन किया है। मथुरा नरेश क्रूर कंस ने देववाणी से भयभीत होकर अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया था। देववाणी के अनुसार देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित है। विधि के विधान को गलत साबित करने के उद्देश्य से कंस अपनी बहन के सभी बच्चों का वध उनके जन्म के साथ करता है। कारागार में बंद एवं कठोर यातनाएं झेल रही देवकी पुनः एक बच्चे की माँ बनने वाली है। कंस के कारागार में कैद देवकी अचानक उस कैद में आनंद का अनुभव करने लगती है। वह सोचती है कि उसके चारों ओर दीवारें नहीं, वह किसी विशाल खुले स्थान पर बैठी है। कभी लगता है मानो मेघों पर बैठी है, यह मेघ आकाश में घूम रहे हैं। कभी सोचती है वह स्वयं बादल है और हवा के पंख लगाकर सारे ब्रह्मांड में घूम रही है। कभी सोचती है वह आकाश है और सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र उसके खिलौने हैं, उसे प्रसन्न करने के लिए हैं और उसके चारों ओर घूम रहे हैं और हाथ जोड़कर उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है। कभी सोचती है जिस प्रकार बालक लुका छुपी का खेल खेलते समय घर के किसी कोने में छुप जाता है, उसी प्रकार वह भी खेल खेल में इस कैद में आ गई है। आत्मा का खेल तो और भी अधिक मनोरंजक है। यह आत्मा शरीर रूपी पिंजड़े में कैद हो गई है। अगले ही पल उसे लगता है कि वह समुद्र की लहरों में बैठी है और लहरें उसे झूला झूला रही हैं। कभी पैर बढ़ाकर पर्वतों में जा बैठती है, समुद्र की लहरें उसके हाथ पैर हैं, वह जहाँ तक चाहे उसे फैला सकती है। चंद्रमा को मुट्ठी में बांध कर धरती पर खींच कर ला सकती है। अपनी मुट्ठी को खोलकर तारों के झुंड को आकाश में फैला सकती है, उससे अपना श्रृंगार कर सकती है। क्षीर सागर उसकी गोद में मचल रहा है, शेष नाग को अपनी हथेली में उठा लेती है। यह नाग गौर वर्ण का बालक बनकर मधुर स्वर में उसे माँ पुकारता है। एक और सांवला सा शिशु नटखट चुलबुला पारे के समान एक जगह टिकता ही नहीं, लहरों की तरह आता है। कोई पकड़ना चाहे तो फिसल कर दूर चला जाता है, उसे पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं पाते। पवन के झोंकों की तरह आकर गौर वर्ण के बालक को कहता है कि तेरी नहीं मेरी माँ है। सांवला कहता है कि तेरी दूसरी माँ है। फिर गौर वर्ण का बालक कहता है नहीं, यह मेरी माँ है। दोनों के खेल को देवकी देखती है। दोनों उसकी गोद पर बैठना चाहते हैं पर बैठते नहीं, पास आकर दूर चले जाते हैं। वसुदेव देवकी के इस स्वरूप को देखकर कहते हैं देवकी क्या बात है। देवकी कहती है आज मैं समझ पाई हूँ कि मेरे भीतर संसार का आनंद समा गया है। वसुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आनंद समा गया है या तुम स्वयं आनंदा स्वरूप हो गई हो। देवकी ने कहा हाँ मैं आनंदा स्वरूप हो गई हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, सर्वव्यापक मैं हूँ। वसुदेव ने कहा कंस सुनेगा तो भय से मर जाएगा। देवकी ने कहा हाँ उसे मरना ही होगा। वसुदेव देख रहे थे देवकी वास्तव में बदल गई है, उसे सत्य का बोध हो गया है। क्योंकि वह बहुत समय तक दुखी थी, वह दुख नहीं तपस्या थी। तपस्या के बिना माया का भ्रम दूर नहीं होता है। माया का भ्रम हट जाए तो आनंद स्वयं उद्घाटित हो जाता है। अर्थात संसार में जो दुख है वह माया मोह के जाल में फंसने के कारण ही महसूस होते हैं। व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करता है और जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो दुखी हो जाता है। व्यक्ति इस भौतिक संसार की वस्तुओं का उपयोग करने के साथ उससे मोह भी करने लगता है और अधिक धन कमाने में लग जाता है। असफल होने पर दुखी हो जाता है। इसके विपरीत यदि परमात्मा से मिलन की तलाश करता है तो सांसारिक और शारीरिक दोनों कष्ट दूर हो जाते हैं।
लंबे समय तक दुख सहते सहते व्यक्ति दुखों से पार पा लेता है। देवकी ने कहा, मुझे बांसुरी की मधुर स्वर सुनाई दे रही है जिसे मैंने कभी नहीं सुना। मेरे भीतर सुगंधित पुष्पों की बगिया महक रही है। बाहर कुछ लोगों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बोल नहीं रहा था, सब भाग रहे थे। वसुदेव ने द्वारपाल से पूछा, क्या हो रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला। उसी समय कंस प्रद्योत और प्रलंब के साथ कारागार में प्रवेश करता है। वसुदेव कंस को घबराया हुआ सा देखकर समझ गए कि कंस अपने भय को छुपाने के लिए आक्रामक रूप अपनाया हुआ है। कंस ने देवकी से पूछा, कैसी हो? देवकी ने कहा, स्वस्थ और प्रसन्न। देवकी के मधुर स्वर को सुनकर कंस चौंक उठा कि देवकी के स्वर में न क्रोध है, न देवकी विचलित है, आशंकित भी नहीं है। देवकी, तुम आठवें पुत्र को जन्म दोगी और राजद्रोह के अपराध में मैं उसे मृत्युदंड दूंगा, कंस ने कहा। वसुदेव ने कहा, अधर्म, अन्याय, विरोध, राजद्रोह कब से हो गया? देवकी ने कहा, भाई यह भ्रम मात्र है। जो है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह है नहीं। कंस का शरीर थरथरा गया। प्रद्योत आगे बढ़कर कंस के निकट गया और बोला, यह तो भय से विक्षिप्त हो गई है। प्रलब्ध ने आकर कहा, महाराज आदेश दें तो मैं अभी इसे खत्म कर दूं, और अपनी तलवार निकाल ली। वसुदेव आगे बढ़कर देवकी के पास आए और देवकी उन्हें एक और कर कहा, आतताई अधर्मी शस्त्र से नहीं अपने आप से मारा जाता है। क्या कह रही हो देवकी? कंस का स्वर कांप रहा था। मेरे एक संकेत पर मेरे ये दोनों मित्र तुम्हारा यह सिर काटकर तुम्हारे पति को भेंट कर देंगे। देवकी हंसती हुई कहती है, तुम्हें अपने मित्र की तलवार दिखाई दे रही है? तुम्हें यह धरती दिखाई नहीं दे रही जो तुम्हारे रक्त की प्यासी है? तुम्हारे रक्त को पीकर यह धरती पवित्र हो जाएगी। कंस स्तब्ध रह गया। क्या हुआ देवकी को? सदैव डरी सहमी और भयभीत रहने वाली देवकी को अचानक कंस के समक्ष यूं निर्भीकता के साथ व्यवहार करना कंस को परेशान करता है। वह देवकी के अंदर आए इस अद्भुत परिवर्तन से स्तब्ध है। वास्तव में कंस देवकी के इस व्योमातीत स्वरूप से भयभीत हो उठा है। यह कोई चमत्कार है अथवा कोई तांत्रिक प्रयोग? उसे लगता है वह पागल हो जाएगा। वह सोचता है, देवकी के शरीर में कोई प्रवेश तो नहीं कर गया जो उसे निर्भीकता के साथ कंस की आंखों में आंखें डालकर बात करने का दुस्साहस कर रही है। यह प्रेत किसका है? कहीं वह आवेश में आकर देवकी का वध न कर दे और संभावित हत्यारे को सदा के लिए खो दे। देवकी, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, निर्भीकता का नाटक करते हुए कंस ने कहा। मैं तो अपने मृत्यु के शत्रु को खोज रहा हूँ। अपने जीवन में किसी ने अपनी मृत्यु को खोज नहीं पाया। तुम मृत्यु को मत खोजो, वही तुमको खोज लेगी। प्रलब्ध ने कहा, महाराज यह स्त्री पागल कर देगी, आप इसे मारने का आदेश दें या यहाँ से चलिए। जाओ कंस, जाओ, अपने बचे हुए दिनों को ढंग से जी लो। अपने पुत्रों को बतलाना कि वृद्धावस्था में अपने पिता को कैसे बंदी बनाया जाता है। परंतु तुम्हारी वृद्धावस्था तो आएगी नहीं, उससे पहले ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। प्रलब्ध और प्रद्योत ने कंस की दोनों भुजाएं एक एक तरफ से पकड़ ली, किंतु कुछ क्षण बाद कंस स्वयं अपने पैरों पर संभल कर खड़ा हो गया कि लोग क्या सोचेंगे कि अब महाराज को सहारे की आवश्यकता हो गई। कंस दूर जा चुका था। वसुदेव ने कहा, कंस अति शीघ्र तुम्हें महाविष्णु के क्रोध को सहन करना होगा। देवकी बोली, महाविष्णु यदि क्रोध करेंगे तो साधारण मनुष्य और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? कंस को सारी रात नींद नहीं आई। क्या देवकी के गर्भ में अलौकिक संतान आ गई है जिसके कारण देवकी बदल गई है? वह ना तो कंस से डरी, न अपनी मृत्यु से, अपने पुत्र के वध से भी नहीं घबरा रही। कौन उसे इतना निर्भीक बना रहा है? सर्वशक्तिमान कंस की टांगें कांपने लगी।
उसे गालव ऋषि की बातें याद आने लगी कि सत्य की वृद्धि होने पर रजोगुण और तमोगुण की शक्ति कम होने लगती है। मनुष्य के हृदय में सत्य आ जाए तो उसके शरीर में ईश्वर का वास हो जाता है। तो क्या देवकी के शरीर में सत्य की वृद्धि हो गई है और उसमें ईश्वर आ गया है, या ईश्वर का प्रतिनिधि देवकी के गर्भ में आ गया है इसलिए देवकी इतनी निर्भीक हो गई है? कंस ईश्वर को मानता नहीं, ईश्वर को भयभीत हृदय की कल्पना मात्र है। गालव ऋषि की बातें उस समय कंस नहीं मानता था, पर अब वह मानने को बाध्य है। उस समय अपने मित्र से इस बारे में बात की थी, अपने मित्र धौम और बाण से और हंसी में उड़ा दिया, पर आज देवकी के इस रूप को देखकर सोचता है। कंस कारागार में यह सोचकर गया था कि उसके अत्याचारों से पीड़ित देवकी हैरान परेशान होगी, किंतु उसके व्योमातीत स्वरूप को देखकर स्वयं कंस असहज महसूस होने लगा। वह पराजित सा कारागार से वापस लौट आया। महल में पहुंचकर रात भर कंस सैया पर करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह पूरी रात सोचता रहा, क्या देवकी के गर्भ में अलौकिक संतान आ गई जो उसका वध करने में सक्षम होगी? कंस के नाम से थर थर कांपने वाली देवकी में परिवर्तन कैसे आया? कंस की आंखों में आंखें डालकर देवकी इतनी निर्भीकता से कैसे बात कर पाई? उसे अपनी मृत्यु और संतान के वध का भय नहीं, उसे कौन इतना निर्भीक बना रहा? रात भर कंस अपने शयन कक्ष के कोमल बिस्तर में करवटें बदलता रहा और देवकी वसुदेव उस बंदी गृह में आनंद की नींद सो रहे थे।